हेलो स्टूडेंट, आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये यूपी बोर्ड की एग्जाम की जो 2022 की जो ये न्यूज है ये निकल के आ रही है। सीधा आपको देख सकते हैं यहाँ पे अमर उजाला की तरफ से ऑफिशियल न्यूज होने वाला है। छोटी सी वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये किस डेट का है और कब ये पब्लिश किया गया था अमर उजाला की तरफ से। यहाँ पे डेट देख सकते हैं कि वेडनेसडे और 2 मार्च का ये 2022 को 6:18 पर ये पब्लिश किया गया था अमर उजाला की तरफ से। यहाँ पर इन्होंने हेडलाइन में बता के रखा है कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2022, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रास्ता साफ, जानिए किस मोड में होंगे 10वीं और 12वीं एग्जाम। ठीक है, 10वीं और 12वीं की जो एग्जाम है किस मोड में होंगे, रास्ता साफ हो चुका है। और ये न्यूज निकल के आ रहा है अमर उजाला की, तो ये न्यूज बिल्कुल फेक नहीं है। इसमें पूरा इन्होंने क्या बताया कि यूपी एमएसपी बोर्ड एग्जाम की समय सारणी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। विद्यार्थी किसी भी तरह अपडेट रहें, अपडेट के लिए यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें और कहीं पर अगर न्यूज़ आए तो उस अफवाहों के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस फेक न्यूज़ फैला रही हैं यूट्यूब पर। आगे इन्होंने क्या बताया है कि आगे देखिए इन्होंने क्या बताया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। 10वीं और 12वीं छात्र के लिए काफ़ी समय से बोर्ड परीक्षाओं के ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कराए जाने के लिए असमंजस छात्रों में हमेशा से बना रहा है। हालांकि अब ये कंफ्यूजन दूर हो चुका है, क्योंकि खबर है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब ऑफलाइन माध्यम से ही होंगी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी की वजह से यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड समेत कई अन्य शिक्षा बोर्ड के छात्र छात्राएँ बोर्ड एग्जाम ऑनलाइन कराने की मांग कर रहे थे। इस वजह से काफ़ी समय तक इस भ्रम में स्थितियां बनी रही। कई मीडिया रिपोर्ट में ये बताया गया कि उच्च स्तरीय बैठक में बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन कराने का फैसला ले लिया गया है। फिलहाल में बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी नहीं की गई है, जिसके लिए छात्रों में यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं। वहीं अगर कोई स्टूडेंट घर पर रहकर दिल्ली के शिक्षकों से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो ऐसे छात्रों को यूपी बोर्ड फ्री में हिंदी क्लासेस ज्वाइन करा रही है। ठीक है, लिंक भी प्रोवाइड करा रही है। इसके आगे इन्होंने बताया कि सिलेबस में की गई कटौती, इन्होंने इसके अंदर में क्या बताया है कि यूपी बोर्ड इस बार 30% पाठ्यक्रम कम कर दिए हैं, जो कि आपके लिए बहुत आसान होने वाला है एग्जाम्स में। और इसके आगे इन्होंने बताया कि कोरोना के कारण पढ़ाई प्रभावित हुई है। यह यूपी बोर्ड मानता है कि पढ़ाई में आपकी जो प्रभावित हुई है, ऐसे में विद्यार्थी अधिक बोझ न पड़े, इसलिए यह फैसला लिया गया कि संशोधित सिलेबस के मुताबिक अगर किसी विषय में 30 चैप्टर हैं तो उसे लगभग 21 या 22 में से ही आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो आएंगे। परीक्षा प्रश्न उसी तरह से पूछे जाएंगे जैसे कि 2020-21 के सत्र में पूछे गए थे। बीते कोरोना के कारण बोर्ड परीक्षाएं नहीं हुई हैं, इस बार भी कोरोना ने शिक्षा सत्र को प्रभावित किया है। ठीक है, तो इसमें एकदम से जो असमंजस था विद्यार्थियों में कि ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होंगी एग्ज़ाम्स, तो इसमें बड़ी बैठक हुई है। इसमें निर्णय ले लिया गया है कि आपकी एग्ज़ाम्स जो हैं ऑफलाइन मोड में ले लिया जाएगा। और इसमें आपको राहत ये मिला है कि आपकी जो 30% यूनिट थी, आपकी अध्याय थी, उसको कम करके 21 और 22 अध्याय में से ही आपके प्रश्न कम से कम दिए जाएंगे, आसान दिए जाएंगे। क्योंकि वह यह जानते हैं कि कोरोना से कहीं ना कहीं छात्रों में पढ़ाई में प्रभाव पड़ा है, तो इसलिए यह निर्णय लिया गया है। आपको न्यूज़ अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, गलत अफवाह के चक्कर में नहीं पड़िए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।